हेलो एवरीवन, ये है सैमसंग S23 अल्ट्रा और इसमें मैं लेंस यूज करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्लिप उसमें सपोर्ट नहीं हो रहा है। इस टाइप का यू क्लिप इसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे एपेक्सेल का न्यू फोन होल्डर जिसमें आप लेंस अटैच कर सकते हैं। आज हम प्रोज्यूमर का QX मैक्रो लेंस लेंगे और उसका 10x टेलीफोटो लेंस और 3x टेलीफोटो लेंस के ऊपर लगा के देखेंगे कि क्या इसमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन वाला शॉट हम ले सकते हैं, और उसको कंपेयर भी करेंगे मेन कैमरा में अगर लेंस लगाते हैं तो कैसा आउटपुट आता है। क्योंकि मैंने अभी लेंस को 10x टेलीफोटो लेंस के ऊपर लगाया है तो मुझे एक्सपर्ट रॉ मोड में जाना पड़ेगा या प्रो मोड में जाना पड़ेगा, और मुझे चूज करना पड़ेगा सुपर टेली, दैट मीन्स ST वाला कैमरा को। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा फ्लैट ब्लर हो गया है। उसका मतलब क्या है, क्योंकि QX मैक्रो लेंस आपको बहुत ही लो मैग्निफिकेशन आउटपुट देता है, लेकिन 10X टेलीफोटो लेंस के ऊपर लगाने के बाद ये बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन शॉट देता है और आपका जो बैकग्राउंड है पूरा ब्लर हो जाता है, ना कि आपको बबल टाइप ऑफ बोके इफेक्ट मिलता है बैकग्राउंड में। ओके, तो चलिए चलते हैं अभी 3X जूम कैमरा में लगाते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। इसका टेली लेंस है 3X जूम कैमरा, तो कैमरा में हमको जाना पड़ेगा प्रो मोड पे और सिलेक्ट करना पड़ेगा टेलीफोटो लेंस को, 3X कैमरा को। तो 3X कैमरा में लगाने के बाद कुछ ऐसा टाइप का आउटपुट मिलता है आपको, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर मिलता है विथ बोके इफेक्ट। और एक बेनिफिट ये है कि आपका जो QX मैक्रो लेंस में ब्लैक बॉर्डर का प्रॉब्लम होता है वो हट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3X जूम है कैमरा में। तो ये था बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सैमसंग S23 अल्ट्रास टेलीफोटो लेंस एंड सुपर टेलीफोटो लेंस। तो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या क्या और चाहिए आपको टेस्टिंग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।